हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल होने वाले स्मैकडाउन लाइव यानी कि 3 सितंबर 2019 को होने वाले स्मैकडाउन लाइव के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में। आज रॉ में इस टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच हुआ था, जिसमें बैरन कॉर्बिन तो जीत गए लेकिन समोआ जो और रिकोशे के मैच में दोनों का ही पिन हो गया। इसलिए WWE ने यह तय किया है कि इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल राउंड में समोआ जो और रिकोशे दोनों रहेंगे और वो दोनों फेस करेंगे बैरन कॉर्बिन को ट्रिपल थ्रेट मैच में अगले हफ्ते के रॉ में। और कल स्मैकडाउन लाइव में भी इस टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच होगा। पहला मैच होगा एलियास और मुस्तफा अली का और दूसरा मैच होगा सियान एल्मस और चैट गिबल का। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों मैचेस में मुस्तफा अली और सियान एल्मस जीतकर सेमीफाइनल राउंड में चले जाएंगे। वैसे आप भी अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में मुझे बताइए और साथ में ये भी बताएं कि आपके हिसाब से किंग ऑफ द रिंग 2019 कौन जीतेगा। जैसा आज आपने रॉ में देखा होगा कि बेली ने साशा बैंक्स का साथ देते हुए बेकी लिंच पर अटैक कर दिया और वो हील टर्न हो गई। इसलिए कल स्मैकडाउन लाइव में बेली ये बताएंगी कि क्यों वो हील टर्न हो गई और क्यों उन्होंने बेकी लिंच पर अटैक कर दिया था। क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपरव्यू में बेली का मैच शार्लेट फ्लेयर के साथ हो रहा है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, इसलिए कल शार्लेट और बेली का सेगमेंट हमें देखने मिल सकता है। दोस्तों, क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपरव्यू में रैंडी ऑर्टन और रिवाइवल की टीम फेस करेगी न्यू डे की टीम को। रैंडी ऑर्टन का मैच होगा कोफी किंगस्टन के साथ WWE टाइटल के लिए और द रिवाइवल का मैच होगा जेवियर वुड्स और बिगी के साथ स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और इसलिए कल स्मैकडाउन लाइव में इन सबका सिक्स मैन टैग टीम मैच हो सकता है। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन लाइव में शिंसुके नाकामुरा और सैमी ज़ेन ने टीम अप करके द मिस पर अटैक कर दिया था और कल भी ये दोनों मिलकर मिस पर अटैक कर सकते हैं। दोस्तों, WWE ने कंफर्म कर दिया है कि अगले हफ्ते के स्मैकडाउन लाइव में अंडरटेकर रिटर्न आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि अंडरटेकर का अगले हफ्ते के स्मैकडाउन लाइव में क्या रोल रहता है। रोमन रिक्स ने उनके मिस्ट्री अटैकर को रिवील कर दिया था और वो अटैकर हैं एरिक रोवेन, जो कि डैनियल ब्रायन के लिए काम करते हैं। इसलिए पिछले हफ्ते स्मैकडाउन लाइव में रोमन रिक्स ने डैनियल ब्रायन को स्पीयर दे दिया था, पर डैनियल ब्रायन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनका इस अटैक में कोई हाथ नहीं है। इसलिए उन्होंने कल स्मैकडाउन लाइव में फिर से रोमन रिक्स को उनसे माफी मांगने को कहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोमन रिक्स डैनियल ब्रायन को कल सॉरी कहेंगे या फिर उन्हें एक और स्पीयर दे देंगे? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और कल डैनियल ब्रायन ये भी रिवील कर सकते हैं कि वही असली अटैकर है रोमन रिक्स के और एरिक रोवेन के साथ मिलकर वो अटैक कर देंगे रोमन रिक्स पर। अगले हफ्ते के रॉ में स्टोन कोल्ड रिटर्न आ रहे हैं और वो सेथ रॉलिंस और ब्रॉन स्ट्रोमन के मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करवाएंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से ब्रॉन स्ट्रोमन और सेथ रॉलिंस के मैच में कौन जीतेगा और क्या स्ट्रोमन पहली बार यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएंगे या नहीं? और स्मैकडाउन लाइव कल सुबह 5:30 बजे से Sony 10.1 और Sony 10.3 पर देगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।